आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि कोई अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं है। जस्ट मैंने आप लोगों को ये पॉलिश के बारे में बताना है जो कि एक्सीडेंटली मेरे अबू लेके आए। उन्होंने मुझे ये कहा यार कि इससे चीज़ें वगैरह साफ़ कर लिया करो। अब जब मैंने अपना माउस कीबोर्ड और अपना ये माउस पैड RGB वाला जिस पे जुत्ती का निशान था उसको इससे जब साफ़ किया ना तो सब कुछ नई शक्ल इसने निकाल दी है। और मुझे पता है कितने मेरे जैसे और लोग भी हैं जिनको ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है, जिनको अपना सेटअप साफ़ सुथरा चाहिए होता है और कीबोर्ड के अंदर मिट्टी बड़ी हुई होती है, साफ़ नहीं होता और वो जो है ना ब्लैक कलर भी एक तरह से फेड पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और आप लोगों को मैं जो है B-Roll के अंदर आगे जाके दिखाता हूँ कि ये क्या जो है वो काम दिखाता है। और ये 7CF कोई कंपनी है, उसका है, मेड इन चाइना है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्राइस तकरीबन कोई 400-500 के अराउंड है और ये 550 ml की उसके अंदर आता है स्प्रे, उसके अंदर है। तो लाइक बॉडी स्प्रे की तरह आप इसको स्प्रे वगैरह कर सकते हो और ये बहुत मिनिमल कैलो क्वांटिटी के अंदर लगता है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी लंबा अरसा निकाल देगा और मैं भी इससे काफ़ी टाइम से चीज़ें वगैरह साफ़ कर रहा हूँ। तो ओवरऑल क्वांटिटी प्राइस के बाद काफ़ी ठीक ठाक है। लाइक 500 रुपये का भी हो तो 1 रुपया 1 ml का पड़ता है, तो मेरे लिहाज से तो बहुत चीप है और अब उसका जो काम के लिहाज से तो पैसा वसूल चीज़ है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा क्या कहते हैं ये स्प्रे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसके अंदर आया और इससे आप जूते शूते भी साफ़ कर लेते हो। है तो ये वैसे एक फर्नीचर पॉलिश मगर ये जिस चीज़ पे भी मैंने मारा है ना, प्लास्टिक की हो या लेदर टाइप की ये चीज़ हो, सबको इसने चमका दिया। और अभी मैं आप लोगों को B-Roll के अंदर भी दिखा रहा हूँ कि अभी मेरा जो माउस है ना ये लॉजिटेक वाला ये गंदा मंदा है, इसके ऊपर मैंने अब जो है वो स्प्रे मारा है और फिर आप जो है किसी भी टिश्यू से वगैरह से साफ़ कर लो और जो माउस है वो बिल्कुल चमक के आप लोगों के सामने आ गया है। अब मेरे जहाँ तक समझ में है इसके अंदर ना कोई लेयरिंग ऊपर आ जाती है चीज़ के और काफ़ी टाइम तक इसकी जो है ना वो शाइन बरकरार रखता ही है। तो अगर आप लोगों को सेटअप साफ़ सुथरा करने में मसला वगैरह आ रहा होता है, इस तरह की आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए थी जो कि नहीं मिल रही और आप लोगों का कोई ख़राब वगैरह भी ना करे, लाइक माउस पैड पर अक्सर निशान वगैरह पड़ जाते हैं, तो ये भाई ले लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और आप लोगों को कोई इस तरह से रिलेटेड और कोई वीडियो शीडियो चाहिए हो तो मुझे वो भी कमेंट्स में बता देना। लाइक RGB माउस पैड पानी से किस तरह से धो के साफ़ करते हैं तो उस पर भी जो वीडियो मैं बना दूंगा। तो ये भाई आज की कुछ वीडियो थी, बाकी आप लोगों की कोई सजेशन वगैरह हो तो मुझे कमेंट्स में दे देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।